ये रिश्तों के दिए हुए जख्म कभी नहीं भरते, वो माजी नहीं बनते, वो भुलाए नहीं जाते। हाँ, मत लगाओ मुझे। ये किसी के घर की बहू बन ही नहीं सकती, समझी तुम? संभालो इसको, चलो आमिर। अगर मैं आपकी कीमत लगाऊं तब पूछूं कैसा महसूस हो आपको? क्या चाहती? छोड़ दे मुझे। ऐसे कैसे चली गई और आप लोगों को पता ही नहीं चला? बस मुझे इस बात की फिक्र है कि वो कहीं अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जानते हैं कि वो किन हालात से गुजर रही थी, और आयशा के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, ये जज्बात सबसे ज्यादा कीमती है उसके लिए। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। हमेशा इस तरह मेरा ख्याल रखेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे? ऑफ कोर्स, मेरी फैमिली की सेहत का सवाल है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑफिस में होऊंगा तो क्या तुम अपना यूं ही ख्याल रखोगी? नहीं नहीं, मैं जब भी कुछ खाऊंगी आपको पिक्चर लेके भेजूंगी। गुड। हेलो बासित, कैसे हो? हेलो फहद, आई नीड हेल्प। मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या तू मेरे पास आ सकता है इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है, बताओ तो। यार वो आयशा अपनी अम्मी के घर गई थी, उसके बाद उनका सुबह वहाँ से फ़ोन आया है कि वो कहीं चली गई है और मिल नहीं रही। मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। कहाँ चली गई मतलब? बासित, किसी को तो कुछ पता होगा। मुझे नहीं पता फहद, जस्ट कम टू मी मैन। मैं बहुत परेशान था, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ तुझे फोन करना याद आया। ना जस्ट कॉल्ड यू स्ट्रेट अप। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मैं नंबर ट्रेस कराता हूँ। नहीं, वो फोन अपना साथ ही लेके गई है। अच्छा तू परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें बहादुर बनकर इन हालात का मुकाबला कर रहा है, और बहादुर इंसान हमेशा माफ कर देता है। उसकी मजबूरी थी, तुम्हारी माँ बासित का 75 लाख दिए थे तुमसे शादी करने के। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारे डिटेल्स हैं, आप गो थ्रू कर सकती हैं। Thank you.
अरे बानो, बानो कुछ पता चला? नहीं। क्या मतलब? कहाँ कहाँ जा सकती है वो? बानो, मैं तो कहती हूँ पुलिस में इतला कर देते हैं। बासित ने रिपोर्ट लिखवा दिया पुलिस। तो फिर बासित को फोन करो ना, उससे पता करो। अम्मी, आयशा की कोई खबर आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी दिल पे पत्थर रख लेना। सर, मैं जीएसटी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। सर, ये लड़की की लाश जो फैक्ट्री से मिली थी वो यहीं लेके आ रहे हैं, तो आप उनके लवाकीन को तला कर दें ताकि वो आके लाश वेरीफाई कर लें। हेलो हेलो बानो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे कुछ बताओ तो सही, तुम रोए जा रही हो, क्या हुआ है? देखो बानो, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो, मुझे बस इतना बताओ कि सब ठीक है ना। बानो, तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? बताओ तो सही, कुछ क्या हुआ है? बानो तुम ठीक हो? पानी पियो। कहीं इस घर का मन बंद। तुमने आज से पहले तो कभी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं, कैसी हूं। तुमने क्या इस घर में कभी किसी ने नहीं पूछा सिवाय आयशा के? तुम्हें नहीं लगता आयशा ने जो किया वो ठीक किया? अम्मा ने उसके साथ जो सब किया उसके बाद वो क्यों घर में आना चाहेगी? ओ माँ है हमारी जोया, हम में से किसी को हक ही नहीं बनता कि हम उन्हें सजा दें। अब्बा के बाद अकेले हम तीनों को उन्होंने पाला है, उनकी एक गलती पे हम ये सब कुछ भूल जाएं? आसान नहीं होता। बेटियों को अकेले जवान करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता जोया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दें। दुश्मन नहीं है वो हमारी, हालात ने उन्हें ऐसा बनाया है। आज भी जोया हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना अम्मा ही करती हैं। ये तुम कह रही हो, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ जोया, ये मैं कह रही हूँ। और आयशा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मैं कहाँ ढूंढूंगी अब उसे? आयशा वापस आ जाएगी, दुख है उसे, हक बनता है उसका कि वो अपने लिए फैसला ले। और आयशा समझदार है, मेरे जैसी थोड़ी है। तो या कि समझदार हो गई हो, मुझे तो हैरत हो रही है
हमारी जोया इतनी बड़ी हो गई है कि आज मुझे तसल्ली दे रही है। जिंदगी की तलखियां हर किसी को समझदार बना देती हैं। वालेकुम सलाम। तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था? हाँ जी, अभी लोगों का तो इंतज़ार होता है। बासित सलमान जी, आप लोग आए मेरे साथ। मैं तुम्हें शुरू से पसंद था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ना, अब अच्छे लग रहे हैं। आसिफ, क्या हुआ है? आसिफ बता तो सही, हुआ क्या है? मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। टेंडन का नाम? आयशा बासित। नहीं, आयशा सादिक। आप अपना NIC दे दीजिए। इनको सेपरेट रूम चाहिए होगा, रूम शेयर नहीं करेंगी किसी के साथ। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। आशु, मैं कर दूंगी। नहीं सुहा, तुम बहुत कर चुकी हो, मैं पेमेंट कर देती हूँ मेरे पास। आयशा, इट्स ओके, जब तुम्हारी जॉब शुरू होगी मुझे पैसे वापस कर देना। कम ऑन, इट्स द लीस्ट आई कैन डू। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। थैंक यू सुहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। डोंट वरी अबाउट इट आयशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता है जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह किसी ना किसी तरह कभी आपकी भी मदद करता है। तुम बहुत अच्छी हो, रख लो। नहीं 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 नहीं, मैं सो तुम बहुत कर चुकी हो। मैं आयशा, तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, रख लो, ट्रस्ट मी, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ, मैं चेक करने आऊँगी तुम पे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बी सेफ। आए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। चलिए। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे।
मुझे माफ कर दे मेरे खुदाया। तो नहीं करनी चाहिए ऐसी हरकतें के बाद में इंसान अपने आप को माफ ना कर सके। सोया, मेरे अमाल की सजा के तौर पर तो तुम ही काफी हो। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि मैं आजमाइशों पर आजमाइशें देख सकूं। तो आपने भी तो ठीक नहीं किया उसके साथ। क्या कहा था आपने उसको? वो नाराज थी मुझसे, दुख था उसे, उसे शिकवा था अपनी माँ से कि मैंने बासित से पैसे लेकर उसकी शादी की। बस ये बात अपने दिल पर ले बैठी और नाराज होकर चली गई। ठीक किया उसने अम्मा, अच्छा किया वो इस घर से चली गई। यहाँ पे रहना भी कौन चाहता है अम्मा? मुझसे भी गलती हुई कि मैं आपकी बातों में आ गई। मुझे नहीं माननी चाहिए थी आपकी बात। यहाँ शायद हमेशा आपको पैसों के पीछे रोता हुआ देखा है। समझ बैठी थी कि पैसा ही सब कुछ है, किसी तरह बस पैसा मिल जाए। भूल गई थी मैं कि पैसों का खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। मेरा बस चले तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें यहां से कहीं दूर रवाना कर दूं। बस एक बार आयशा मिल जाए, मैं खुद जाऊंगी, आमिर से मिन्नतें करूंगी। नहीं अम्मा, ये मेरी जंग है, मैं खुद लड़ लूंगी। आपने हमारी जिंदगियों के साथ जो करना था कर लिया। आपकी वजह से हम तीनों रुसवा हैं, घर बैठी हुई है आपके गलत फैसलों की वजह से। और मैं, मेरी तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आ रही? मैं माँ हूं, एक माँ अपनी तीन औलादों को तकलीफ में कैसे देख सकती है? लेकिन नहीं, तुम समझ ही नहीं सकती, तुम समझ ही नहीं सकती अपनी माँ को। क्यों अम्मा, क्यों क्यों किया आपने? मैं क्या करूंगी अब? आमिर मुझे सजा देगा और मुझे भुगतनी पड़ेगी। औलाद तो अम्मा को ही देखती है ना। गलती हो गई मुझसे, मुझे कोई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए था उससे। जोया, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जोया, गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं चलूंगी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। तुम क्यों रो रही हो? मैंने गुनाह किया, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांगूंगी जाकर। नहीं अम्मा, अब जो करना है मैं खुद करूंगी। मेरा दिल नहीं मान रहा तुझे यूं अकेला छोड़ के जाने। मेरी मान तो मेरे साथ चल मेरे घर। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू परेशान नहीं हो, मुझे बस कुछ वक्त अकेला गुजारना है। और सुन, डोंट पार्क इट इनसाइड। तू गाड़ी लेके जा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुझे बताऊंगा। जस्ट कम टू मी। ओके, भाभी को सॉरी बोलना। बस हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हो सकता है पुलिस आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा।
थैंक गॉड तुम घर पे हो। हाउ यू फीलिंग? कुछ पता चला आयशा का? बासित, बासित मिल जाएगी आयशा, प्लीज रिलैक्स। मुझे इस बात की हैरत है कि उसने एक दफा भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं टूट चुका हूँ सोहा, सब कुछ हार चुका हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुल कायनात गवा दी है मैंने। बासित, प्लीज रिलैक्स, मिल जाएगी आयशा। एवरीवन्स लुकिंग फॉर। काश उसे ये सब कुछ ना पता चलता। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं जान ले लूंगा उसकी जिसने ये जहर उगलाया। उसको ये बात पता कैसे चली? इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। एवरीथिंग्स गोना बी ओके, आई प्रॉमिस। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे किसी पल चैन नहीं है। मैं काश उसको कल रात अपने साथ ही ले आता, बेशक मुझे कुछ भी करना पड़ता। सो मैं कहां ढूंढूं आयशा को? खुद को संभालो बासित, प्लीज काम डाउन। And have faith. कितना बदनसीब हूं मैं। मैं कोई रिश्ता नहीं निभा सका, ना मैं अच्छा बेटा बना, ना मैं अच्छा शौहर बना। दोनों को तकलीफ दी मैंने, इस गुनाह का क्या अजाला होगा? Don't be so hard on yourself. मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। बहुत तना फील कर रहा हूं। तुम तना नहीं हो बासित, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें किसी हालत में तना नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, मैं संभालूंगी तुम्हें बासित। ओके सोहा, आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे भी बहुत लेट हो गया और ये हालात मेरे पैदा किए हुए हैं, इनका जिम्मेदार मैं हूँ। तुम मेरी वजह से स्ट्रेस मत लो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ी। सो प्लीज, मैं सुबह से कुछ just go home. जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं, I'm not leaving. सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। I'll be fine. But Basit, प्लीज प्लीज। प्लीज कुछ खा लेना। आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं जाना नहीं चाहती। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। कुछ भी आयशा का पता चले प्लीज कॉल मी।
कैसी हो आयशा? मैं जानती हूँ तुम किस ट्रॉमा से गुजर रही हो। तुमने बासित का घर छोड़ के बिल्कुल ठीक किया। यू डोंट डिजर्व ऑल दिस आयशा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा दम घुटता है उस घर में और ये घर तो कभी मेरा था ही नहीं। आयशा मेरी एडवाइस तुम्हें ये है कि तुम कुछ अरसे के लिए बासित से बिल्कुल दूर चली जाओ। I've been in a similar situation. और उसमें बेहतर यही होता है कि आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सच्ची नहीं थी और ना ही बासित। It's unacceptable जो तुम्हारे साथ हुआ है। Like I said, you don't deserve it. मेरे पास अभी कोई ठिकाना ही नहीं है। जाऊंगी तो कहाँ जाऊं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ आयशा, खुद को तन्हा मत समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद मैं हूं तुम्हारे साथ। एक औरत होने के नाते मुझे तुमसे हमदर्दी है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू। इनफैक्ट अगर तुम इस घर में भी नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो। I'll help you out. Don't worry. सब खुदा का, दोनों माँ बेटियों ने मिलकर कैसा बेवकूफ बनाया है हमें। तुम चाहे कितनी भी भलाई कर लो इस लड़की के साथ, वो सुधरने वाली नहीं है। छोड़कर तो आ गई आप उसे, अब और क्या चाहती हैं? अरे मैं क्या चाहूंगी, मैं तो तोबा तोबा करती हूँ। याद है ना तुम्हें, तुम हमें कैसे मनाते थे, उसकी तारीफें करते जबान नहीं थकती थी तुम्हारी। ठीक है ना, हो गई गलती। हाँ तो गलती सुधारने का मौका मिला है तुम्हें, छोड़ दो उसे, अपनी जान आजाद कराओ। अरे ऐसी चोर गैर जिम्मेदार लड़की से जान छोड़ाओ अपनी। तो छोड़ ही तो दिया है उसे। देखो बेटा, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। तुमने उनकी भागी हुई लड़की को कितनी इज्जत दी, अपने घर की इज्जत बनाया, खुशिया ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। ऐसा कहीं होता है भला? मजाल है जो उस लड़की ने इस घर में कभी हिलकर पानी भी पिया। मैं तो कहती हूं कि तुम आज ही की तारीख में उसे तलाक दे दो। अरे इतनी गैर जिम्मेदार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपना सारा दिमाग तो वो हेरा फेरियों में चलाती थी। अच्छा बस कर दे उसकी बुराइयां, पहले से मेरा दिल बहुत खराब हो चुका है। अब मत याद दिलाए मुझे उसके बारे में। तर गई है मेरे दिल से अब जोया। Yes, I've read the email and the contract. I've sent all the documents. If there's anything needed, you let me know, please. Thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप मिस बानो बात कर रही हैं? जी आयशा बासित आई हुई हैं अस्पताल, आपने कहा था मैं आपको बता दूँ, वो कुछ देर में निकल जाएंगी। जी जी, थैंक यू सो मच। आयशा, 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 क्या किया है आयशा तुमने? मुझे तुमसे इतनी अहमकाना हरकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैं थक गई हूँ बानो, दूसरों के लिए जिंदगी जी के बस थक गई हूँ। जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ तो क्या गुनाह कर दिया?
और अगर ये हमाकत है तो हमाकत ही सही। अपनी जिंदगी अपने नजरिए से देखना चाहती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि अब लोग क्या सोचते हैं। दूसरों का सोचना पड़ता है आयशा, यही जिंदगी है। क्यों घर छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था तुम्हें? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर, हम सब पर, बासित पर क्या गुजरेगी? तुम्हें क्या मिल गया? दूसरों के लिए जी के घुट घुट के, दूसरों के कहने पे चलना बैठना, खुश होना। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बानो, है तो बस बासित की अना और अम्मी की ऊंची ना। दूसरा इंसान नहीं होता। उसके बच्चे की मां बनने वाली हो तुम इस तरह अचानक गायब हो गई, उससे मिलकर भी तुम नहीं गई हो। तुम जानते हो किस तरह पागलों की तरह पूरे शहर में हो तुम। मानो उस आदमी की सफाइयां मत पेश करो मेरे सामने, उसकी तरफ सारी मत करो मेरे सामने प्लीज। कल से काम लो आयशा, शौहर है तुम्हारा, उससे मिलकर तुम नहीं गई, किसी को कुछ बताया नहीं, फोन तक तुम छोड़कर चली गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता तुम लोगों की भला से। मैं हूं कौन तुम लोगों के लिए? बस एक जरूरत जिसे हंस पे जरूरत इस्तेमाल की और बस फेंक दिया। सब में बासित अकेला तो कसूरवार नहीं है। अगर अब तुमने मुझे समझाने की कोशिश की, उस आदमी का नाम तक लिया, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आयशा आयशा आयशा, तुम्हें पता नहीं कि मैंने किस हाल में ये फैसला लिया, इस हालत में इतना बड़ा कदम कैसे उठाया मैंने। तो चलो ना घर, अम्मा रो रो के अलकान हो रही है, बॉबी को परेशान है, तुम चलो प्लीज। मेरा दम घुटता है वहां, मैं वहां गई तो अपने साथ कुछ कर लूंगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें जानते हो जब से तुम गई हो ना, हम सब पर क्या गुजरी, हम किस हाल में, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैं जाऊं खुश हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती आयशा। आयशा प्लीज मुझे बता दो तुम किस हाल में हो, कहाँ हो, कुछ तो बता दो प्लीज। एक शर्त पे। क्या हुआ बानो, आयशा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, और मुझे नहीं लगता इस घर में वो आएगी। क्यों क्यों नहीं आएगी वो? ऐसा मत कहो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगी। तुमने उसे समझाने की कोशिश करनी थी ना, समझा कर मना कर ले आती साथ। बात अब समझाने बुझाने से बहुत आगे निकल गई है, कोई फायदा नहीं उसे मनाने का या समझाने का। ये वो आयशा ही नहीं जो मान जाए या समझ जाए। जिस आयशा से मैं मिल के आई हूँ ना, वो तो बहुत जिद में है, ऐसी जिद में जिसके आगे किसी की भी ना चले। बानो वो ठीक तो है ना? जिंदा है, यही काफी है। जो बातें वो कर रही थी ना, तो डर गई थी। गई तो थी मैं उसे अपनी नौकरी का बताने। खैर अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है, कहा था ना आपसे कि दुआ कीजिएगा, और घर भी मिल रहा है, कंपनी वाले कल लोग भेजेंगे, हम सामान शिफ्ट करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अम्मा अब आप यकीन कर लें अपनी किस्मत पे भी और अपनी बेटियों पे भी। बहुत मुबारक हो बानो, तुमने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हेलो बानो,
मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। पूरा शहर छान मारा है मैंने, तुम्हें आयशा के बारे में कुछ पता चला है? हेलो बानो। नहीं। ओके। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि हो सकता है पुलिस आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बता दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है। मैं ना कुछ हूँ।